अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ बेस का टॉपिक चल रहा है। प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं, उसके अंदर थ्योरी डिस्कस की है। इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। दैट इज सेवन, एक्सरसाइज नंबर सेवन। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो समझ लें कि बहुत ही टिपिकल सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके अंदर जो सवाल है वो ये है कि दो बेसिस हैं बी वन एंड बी टू, और इनके आपस में इंटर कन्वर्जन करनी है। मीन्स देयर इज नो स्टैंडर्ड बेस इन दिस। बी वन में भी कोई स्टैंडर्ड बेस नहीं है, बी टू में भी नहीं है। देखें, बी वन क्या है, 1 2 और 2 3, और बी वन क्या है, बी टू क्या है, बी वन इसमें 1 3 है और 1 4। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड बेस नहीं है। तो हाउ यू गो फ्रॉम वन बेस टू अनदर। अब इसके अंदर एक जनरलाइज केस ये हो सकता है कि वन ऑफ द बेस इज स्टैंडर्ड। दिस कैन बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, बट दिस इज अ जनरलाइज केस व्हेन देयर आर टू बेस, देयर इज नो स्टैंडर्ड बेस ऑफ आर टू। ये दोनों बेस आर टू के अंदर ही डिफाइंड है। मीन्स दिस पॉइंट यू वन इज डिफाइंड इन आर टू, दैट इज 1i + 2j, एंड यू टू इज डिफाइंड लाइक 2i + 3j, एंड वी वन इज डिफाइंड लाइक 1i 3j + 3j, एंड वी टू इज 1i and 4j। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम, व्हेन आई एम सेइंग जस्ट आई एंड जे, so these coordinates of u1 u2 v1 and v2 for base 1 and base 2, they for both the coordinates are given in a standard base, that is r2, for r2 standard base. So for conversion from base 1 to base 2, or the other way round, you have to just define this u1 and u2 in terms of the base 2, that is v1 and v2. And if you want to go from v1 to and base 2 to v1 base 1, then you will have to define these define means write v1 and v2 in terms of u1 and u2. So that's the way, that's how you go from one base to another. If I just go from a particular case, not generalized case, jiske andar ek base jo hai wo standard hai, तो वो क्या करते हैं, और दूसरी बेस, तो वो सारा सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने आप लिख दिया बेस 1 बेस 2 u1 u2 v1 एंड v2। हैव अ लुक ऑन इट। ये देखें u1 u2 v1 v2। अब ये देख लें इसको, ये 1 2 2 3 है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 2 3। इसी तरीके से v2 को भी देख लें आप, 1 3 1 4 है। अब मैं आपको कुछ बहुत क्विक तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ, और आप इसको ज़रूर कर लें। एंड दिस इज़ अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंज ऑफ बेस। अब इसके अंदर मैंने आपको जो कन्वर्जन करके दी है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम बी वन टू स्टैंडर्ड बेस एस, तो उसकी क्या ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है। उसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है सिंपल 1 2 और 2 3, ये इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गो द अदर वे राउंड, दैट यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेस टू बेस 1, which is not standard, definitely this b1 is not a standard. So standard base to kya hai, standard base is just 1 0 comma 0 1. So hame transition matrix malum karne ke liye is matrix ka inverse lena padega. So humne kya kiya, ye jo pb1 to standard base tha b1 to s, isko humne inverse le liya. So ye inverse le liya to hamare paas aa gaya -3 -1 और 2 और 2, इसको इंटरचेंज कर दिया, उसका माइनस लगा दिया, ये इन्वर्स आ गया। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गई। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दूसरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या हो सकती है कि बेस 2 से एस पे जाएं। तो बेस 2 से एस पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स मालूम करनी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 3, ये 1 3 और ये 1 4, ये 1 4, ये डायरेक्ट लिख दिया जाता है। और इसकी जो इन्वर्स जो होता है फ्रॉम एस टू बी पी वन, क्या करते हैं, इसका इन्वर्स ले लेते हैं। तो इसका इन्वर्स ले लिया, तो ये आ गया, इनको स्वैप कर दिया और इसका नेगेटिव ले लिया 4 1, उसको स्वैप किया, इधर भी यहाँ पे स्वैप किया था, और फिर इसको ये स्वैप करते हैं। वो इसका असल में फॉर्मूला है ना, यू हैव टू डिफाइन डिवाइड बाई ab - bd, ac - bd, तो वो डिवाइड करना पड़ता है, तो वो ये इसका इन्वर्स लेना आपको आता है। अच्छा, अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड बेस के टर्म्स में।
और ये इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया कि यू के आपके जो बेस वन के जो जो वेक्टर्स थे यू वन और यू टू किस में लिखे हुए थे, ये स्टैंडर्ड बेस में लिखे हुए थे, तो डायरेक्टली ये आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेस है एस, वो तो बी वन की टर्म्स में नहीं लिखी हुई थी, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने इन्वर्ट ले लिया, इन्वर्स ले लिया, और ये यहाँ से इन्वर्स निकाल लिया। ये बात हो गई। अब हम जा रहे हैं जनरलाइज केस की तरफ, और ये नया टॉपिक है। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वर्ट टू बेसिस, तो मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ और वहीं से आपको वर्डिंग्स भी दिखाता हूँ कि वॉट इज द वर्डिंग्स फॉर दिस। स्टैंडर्ड वर्डिंग्स होंगी ना, मतलब ये कि जरा अच्छी आसान तरीके से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एफिशिएंट प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग ट्रांजिशन मैट्रिसेस बिटवीन बेसिस ऑफ आर एन। अब बेसिस ऑफ आर एन हमारे पास तो आर टू है, बट जनरलाइज केस की बात हो रही है, तो हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स मालूम करनी है फ्रॉम बी वन एंड बी टू, जिसके अंदर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। स्टैंडर्ड बेस वाला केस मैं आपको डिस्कस कर चुका कि दैट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस जनरलाइज्ड प्रॉब्लम दैट यू हैव टू कन्वर्ट बिटवीन टू बेसिस। तो करते क्या है कि हम लिख लेते हैं बेस को इस तरीके से, यू जस्ट राइट इट इन न्यू बेस एंड ओल्ड बेस, और हमें अब इसके बाद इसको करना होता है रॉ ऑपरेशंस। और रॉ ऑपरेशंस में अगर हम चाह रहे हैं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, तो हम ओल्ड बेस को तो हम ऐसे ही लिखते रहते हैं, और ये जो न्यू बेस है इसको आइडेंटिटी तक लेकर आ जाते हैं बाई यूजिंग रॉ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे भी जो वही वाले ऑपरेशंस आते रहते हैं, तो रिजल्टेंट होता है वो हमारा होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। आप देख लें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको देखें। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक बेस लिखी है यू वन डैश, लेकिन इसकी जो यू वन है, द बी वन है, जो बी एंड बी डैश जो ओल्ड बेस है इसकी, वो स्टैंडर्ड है। तो जब इन्होंने ये लिखा इसको, तो क्या हुआ कि इसको तो लिख लिया डायरेक्ट डायरेक्ट वन वन, ये वन वन और ये टू वन, और यहाँ पे जो है ये लिख लिया वन जीरो फ्रॉम द यू वन एंड यू टू जीरो वन। तो ये तो हमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यहाँ से आई लेकर आना था, वो तो ऑलरेडी आई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पता लग गया ट्रांजिशन मैट्रिक्स, हमें पता लग गई दैट इज बी डैश टू बी। और अगर हमें अदर वे राउंड जाना है, तो ये पर्टिकुलर केस हो गया, हमने ऊपर भी एग्जाम्पल किया, अगर अदर वे राउंड जाना है तो ये जो है इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने किया हुआ यहाँ पे। तो ये आपको इस तरीके से लिखना होता है और ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या किया हमने, इन्वर्स लेके ये तो स्टैंडर्ड बेस के दरमियान डिवाइड कर लिया। अब बी वन और बी टू को हमने इस तरीके से लिख लिया और रो ऑपरेशन किए, और बी टू को लेकर आ गए यूनिट मैट्रिक्स पे, तो ये बन गया बी वन टू बी टू। तो ये जो ऑपरेशन करते करते ये जो पहुंची है दैट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी वन टू बी टू। फिर दोबारा से यही वाली चीज, सेम चीज यहाँ पे मैंने उतार ली है, ये यहाँ पे वन टू टू थ्री वन वन एंड थ्री फोर, ये यहाँ पे उतार ली। अब मैं जो ऑपरेशन किए वो इस जगह करने की बजाय इस जगह पर किया, उसको यूनिट मैट्रिक्स ले आया, तो ये जो बी टू थी ये जो है बी टू टू बी वन, आपके पास ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गई बी टू टू बी वन। अब नेक्स्ट पेज के अंदर मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एक वेक्टर है जो कि स्टैंडर्ड टर्म में दिया हुआ है जीरो, तो हम इसको लेकर आना चाहते हैं बेस बी वन में। तो ये स्टैंडर्ड वेक्टर है, दैट इज स्टैंडर्ड बेस में है, और जो एक्स वाई की बेस है आई एन जे उसमें है, तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रॉम स्टैंडर्ड बेस टू बी वन, ये ऊपर हम मैंने इसको मालूम किया हुआ है, फ्रॉम स्टैंडर्ड बेस टू बी वन माइनस थ्री टू टू माइनस वन, ये माइनस थ्री टू टू माइनस वन, ये इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये इस्तेमाल किया, इसके अंदर से जीरो वन डाला, तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू बी वन, एक वेक्टर आ गया जो अब बी वन की टर्म्स में ये टू माइनस वन है। बी टू के केस में भी यही किया, स्टैंडर्ड से लेकर बी टू पे चले गए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो वन था, डब्ल्यू एस यहाँ पे डब्ल्यू एस, तो ये वन वन आ गया। अब हमने कहा कि यहाँ पे हम डब्ल्यू बी टू मालूम करते हैं, यही चीज़ मालूम करते हैं, लेकिन हम मालूम करते हैं किसमें, फ्रॉम बेस वन टू बेस, तो बेस वन में तो ये टू माइनस वन है, और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है इसकी फ्रॉम बेस वन टू बेस टू, तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखी, ये वाला वेक्टर यहाँ पे कॉपी किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस वन आ गया, तो डब्ल्यू बी टू ये वही आ गया जब हमने इसको कन्वर्ट किया था फ्रॉम स्टैंडर्ड बेस टू बी टू, तो वही आ गया ये और ये, क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू बी टू मालूम किया है। अब हम आगे चलते हैं
और हम मालूम करते हैं डब्ल्यू बी वन, लेकिन इस डब्ल्यू बी वन को मालूम करते हैं फ्रॉम बी टू टू बी वन, तो बी टू हमें मालूम करना पड़ेगा, तो ये बी वन को यहाँ पे लिखा हमने और ट्रांजिशन मैट्रिक्स लगा दी फ्रॉम बी टू टू बी वन, तो ये टू वन आ गया, तो ये टू वन आ गया, तो बी टू डब्ल्यू ये क्या आ गया, डब्ल्यू बी वन आ गया, ये टू वन मतलब है कि टू माइनस वन आ गया, तो डब्ल्यू बी वन, तो डब्ल्यू बी वन ऊपर क्या आया था, टू माइनस वन, जब स्टैंडर्ड बेस से कन्वर्ट किया था डब्ल्यू एस जीरो वन को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड बेस से कन्वर्ट किया था तो टू माइनस वन आया था। अब हमने फ्रॉम बी टू टू बी वन कन्वर्ट किया, जो बी टू कैलकुलेट किया था वन माइनस वन और वन वो यहाँ पे डाला, तो ये टू वन ये मैच कर गया सही। इसी तरीके से अब हमने निकाला डब्ल्यू एस फ्रॉम बी वन के जो हमने कैलकुलेट किया था, तो इससे जो है हमने इस्तेमाल किया बी वन से एस पे, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स इस्तेमाल की फ्रॉम बी वन टू एस, जो कि बिल्कुल सादा है, हमें बी वन के से पैरामीटर्स लिखने हैं। बी वन क्या था, बी वन देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और बी वन देखें क्या है, बी वन क्या है, बी वन क्या है, बी वन है वन टू टू थ्री, तो वही है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वन टू टू थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू बी वन को, जीरो वन वापस आ गया, डब्ल्यू एस जो कि स्टैंडर्ड ऊपर लिखा हुआ था ये वापस आ गया, ये सही है। इसी तरीके से हम जाए हमने डब्ल्यू कैलकुलेट किया, डब्ल्यू एस कैलकुलेट किया फ्रॉम बी टू, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स लगा दी बी टू से एस पे, तो अब जो है हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे डब्ल्यू बी टू माइनस वन वन, ऊपर माइनस वन देख लें, डब्ल्यू बी टू क्या है माइनस वन वन, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांजिशन मैट्रिक्स चेंज कर दी, बी टू टू एस लगा दी, तो ये जीरो वन वापस डब्ल्यू एस आ गया। ये वाली बात हो गई पूरे सवाल की, छोटी सी वीडियो है। अच्छा दूसरी एक बात नोट के ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रॉम बी टू टू बी वन एंड बी वन टू बी टू, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आना चाहिए, और जो कि आ रहा है, इसका मतलब है कि पहले बी टू से बी वन में जाओ, फिर बी वन से बी टू पर जाओ, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को वापस हासिल करना चाहते हैं, बी टू से बी वन, बी वन से वापस बी टू, तो इसका मतलब बी टू, तो वट विल बी द मैट्रिक्स फॉर फाइंडिंग आउट बी टू फ्रॉम बी टू, तो दैट विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज द पॉइंट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, प्लीज लीव अ कमेंट कमेंट ऑन व्हाट्सएप अबाउट द वे हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड इट राइट, एंड वॉट नेक्स्ट यू वॉन्ट फ्रॉम मी। So this is how you just complete this exercise, and this is enough for this exercise. If you understand and are able to do this kind of change of base problems, so you will be inshallah through.